हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते, काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग दी अपकमिंग वीडियोस। एंड दीज अपकमिंग वीडियोस दीज इंक्लूड्स दी जॉब वैकेंसीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम द वीडियोज विच आर गोइंग टू अपलोड ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट इंक्लूड्स फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द वैकेंसीज विच आर नाउ out in the central government institute. So there are total 36 trainees will be required, and these trainees, these are filled specifically from the SC and ST category student, that is scheduled caste and scheduled tribe students. And the total stipend or salary for these trainees, it is about 20,000 rupees per month, plus if there is a visit to field, then the TA will be, or traveling allowance will be included. And this stipend, it is for 2 years. That means the training for these students, it will be for 2 years. And the qualification for the application of these trainees, it includes BSc Agriculture or Horticulture, or BSc in Botany, Zoology, Microbiology, Biotechnology or Forestry. So though the qualification is BSc, but the candidates who have completed their MSc in agriculture or horticulture, or those who have completed their MSc in botany, zoology, microbiology or biotechnology or forestry, that candidates, they can also apply. So friends, in this video I am going to explain about this post, that is the trainees, or these are the special extension trainees specifically for SC and ST category. Then I will tell about the qualification, then about the duration or tenure of this training. Then after that I will tell about the written test, walk-in written test, and that test should be, or it will be online. And then I will explain about that qualification, and after that is about the how to submit these forms here, and later on where these 36 trainees are available, or in each which institute these are available, that I am going to tell here. So let's see about the detailed advertisement for the 36 trainees for specially SC and ST category. So friends, abhi hum thode detail mein ye advertisement dekhenge. जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ ट्रेनिज जो है ये 36 नंबर है, और बाद में मैं यहाँ पे लोकेशन वाइज जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल एक्सटेंशन ट्रेनिंग की, दैट आई विल एक्सप्लेन हियर। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, या फिर बीएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड हैविंग द नॉलेज इन कंप्यूटर। देन एलिजिबिलिटी जो है ये अपर एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 35 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ रिटन टेस्ट, एंड दोज हु आर ट्रेंड और अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन एनी स्पाइसेस बोर्ड, सो दैट कैंडिडेट दिज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस पोस्ट ईयर। देन टेन्यूअर जो है इस ट्रेनिस का और ट्रेनिंग का, ये 2 साल का टेन्यूअर है, ड्यूरेशन है। और जैसे मैंने पहले बताया कि स्टाइपेंड जो मिलने वाला है ये 20,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। एंड इन केस ऑफ ट्रैवल, अगर ट्रैवलिंग वहाँ पे है टू द स्पाइस फील्ड, देन टीए और ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। और मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और स्किल टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। लीव एलिजिबिलिटी जो है 1 डे पर मंथ, मतलब 1 महीने में आपको 1 दिन की लीव या छुट्टी आपको वहाँ पे मिलेगी, एक्सेप्ट दैट हॉलीडेज, गवर्नमेंट हॉलीडेज। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है ये 29 अक्टूबर 2021 को एग्जाम है, और टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है ये ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट है,
and it will start at 11 AM and computer proficiency और skill test जो है ये 2 बजे शुरू होगी. So venue जो है वो भी मैं आगे जाके यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो ये application कैसे करने के, that is the procedure how to apply and attend the online written test. So those candidates who are eligible, SC candidates who are eligible, they appear for the online walk-in test at the specified centers on the prescribed date 1 hour before the conduct of written test. उसके बाद candidates shall report the center for admission to written test with filled in application from the attached annexure 2. So there एक format उन्होंने दिया है, वो format आपको fill up करना पड़ेगा. उसके बाद walk-in test will conducted online at the center specified in annexure 1. जो specified centers उन्होंने दिए है उसी centers पे आपको online test देनी है. और जो रिटर्न टेस्ट आपकी होगी, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, वो एमसीक्यू टाइप होगी. एंड कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द वॉक इन टेस्ट शैल हैव टू ब्रिंग देयर स्मार्टफोन टैबलेट हैविंग बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर अटेंडिंग द ऑनलाइन टेस्ट. सो यू कैन गिव दिस ऑनलाइन टेस्ट ऑन योर स्मार्टफोन एज वेल एज ऑन टैबलेट. दैट कैंडिडेट्स शैल केयरफुली सिलेक्ट नेम ऑफ द ऑफिस प्रपोज्ड फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग. मतलब आपको जहां से ट्रेनिंग लेना है उसका केयरफुली आपको नाम वहां पे देना है. ये इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है. उसके बाद जो सेंटर्स मैंने बताए थे यहाँ पे, कि ये जो ट्रेनिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाइसेस एक्सटेंशन ट्रेनीज एट वेरियस ऑफिसेस ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया. सो ये गंगटोक है, रीजनल ऑफिस गंगटोक में एक रिक्वायरमेंट है, डिविजनल ऑफिस ताडोंग में एक. तो इस तरह से टोटल 36 रिक्वायरमेंट है. जैसे कि गंगटोक में 7 है, उसके बाद गुवाहाटी में जो है वो 5 है, उसके बाद 5+5 है, देन बोडी एंड कन्नूर दैट इज टोटल जो है ये 11 है, उसके बाद गुना में 2, वारंगल में दो है, देन उंजा 1, जोधपुर गुंटूर 1. सो टोटल 36 वैकेंसीज विल बी देयर फॉर दिस ट्रेनिंग ईयर. और ये एप्लीकेशन फॉर्म है उनका जो आपको फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पाइसेस एक्सटेंशन ट्रेनीज. और इस तरह से ये एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल के आप ये फिलअप करके उनको भेज सकते हो अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स. डिक्लेरेशन साइन भी आपकी होनी चाहिए यहाँ पे. तो इस तरह से ये अलग अलग वैकेंसीज है अलग अलग रीजन में, और उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म है. एंड जैसे कि मैंने बताया कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया में की ये वैकेंसीज है जहाँ पे ये ट्रेनिंग दिए जाने वाले है. सो दिस इज द स्पाइसेस बोर्ड विच इज द बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड वह नोटिफिकेशन ये वॉक इन टेस्ट ऑनलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पाइसेस एक्सटेंशन ट्रेनीज. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर हियर दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स. तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वॉक इन टेस्ट आपको देना है, और बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छे मार्क्स आपको मिले, तो वहाँ पे ये 36 नंबर पे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दी SC एंड ST कैंडिडेट्स. थैंक यू.